हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में खबरों का सिलसिला बना हुआ है, जैसे फंड रेजिंग की बात चल रही है, ई वोटिंग हो चुकी है और कभी भी बोर्ड का फैसला आ सकता है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है कि QIP ही आएगा, जहाँ तक है लगभग 99%। और भी एक दो दिनों से 3 दिनों से एक निगेटिव न्यूज आई थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शेयर जो है थोड़ा निगेटिव ट्रेंड में है। तो हम डिटेल में जानेंगे और एक रिपोर्ट छपी हुई है वो भी देखेंगे, और हम चार्ट पे चलेंगे और प्राइस एक्शन पे विचार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ पे। तो जैसा कि आप न्यूज़ है आपको दिख रहा होगा, यस बैंक होलिस्टिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये न्यूज का मतलब मीनिंग बता रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इकोसिस्टम है यस बैंक MSME के बारे में, ठीक है, इट इज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। मीन्स बोल रहे हैं वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, मतलब यस बैंक ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है छोटे रिटेल मझोले किस्म के बिजनेस के लिए, कि केवल और केवल अपने पियर्स की तुलना में यस बैंक ही सबसे बेस्ट है। अगर उसकी फैसिलिटीज देखें, उसके इकोसिस्टम को देखें, तो सबसे अच्छा, सबसे जल्दी कहीं पर लोन पास होगा तो वो जो है MSME के लिए यस बैंक में होगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, ये लोग वही लोग थे जो कभी भी नहीं पॉजिटिव न्यूज़ नहीं लिखते थे, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना के हमेशा का हमेशा जो है निगेटिव ही फैलाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये लोग भी जो है पॉजिटिव लिखना शुरू कर दिए हैं। देख रहे हैं, मतलब हवा का रुख बदलता है, कैसे बदलता है, मैनेजमेंट ने वो कर दिखाया है। मैनेजमेंट का काम जो है अब जो है ये लोग नकार नहीं सकते, अब ये लोग भी पॉजिटिव लिखना शुरू किए हैं कि MSME के लिए यस बैंक जो है सबसे बेस्ट है। अब नीचे आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कस्टमर सेंट्रिसिटी इज नॉट ओनली अबाउट आस्किंग कंज्यूमर्स व्हाट दे वांट डिलीवरिंग, इट इज एन अबाउट मेकिंग कीपिंग कस्टमर्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर डिजाइन। ये बोल रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये नहीं होता है कि उनकी जो नीड है, ठीक है, और वो क्या चाहते हैं उनको वही दे दो। ये होता है कि उनको शुरुआत से अंत तक बिल्कुल ही हैसल फ्री जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो। अगर वो MSME के लिए लोन लेने आ रहा है तो शुरुआत से ही उनको टैकल करना है और उनको कोई दिक्कत नहीं होने देनी है, ठीक है। सी सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैव टू अडॉप्ट द ब्रॉड लेवल थिंकिंग आइडेंटिफाई दिस विद दिस। अब आगे लिखा हुआ है, यस बैंक हैज बीन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन बाय द रोलिंग आउट सोल्यूशन दैट ऑफर हैसल फ्री एंड कन्वीनियंट बैंकिंग। ध्यान से देखिएगा, ये लोग कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखते थे, लेकिन ये लोग भी अब क्या लिखने लगे हैं। यस बैंक हैज बीन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बोल रहे हैं कि यस बैंक कस्टमर एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल ही खरा उतर रहा है एंड रोलिंग आउट सोल्यूशन, और ऐसा सिस्टम बना रहा है, बना चुका है, जो हैसल फ्री कन्वीनियंट बैंकिंग के लिए हो, चाहे रिटेल के लिए हो, चाहे MSME के लिए हो। अब मेनली ये रिपोर्ट है MSME के लिए। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग ये लिख रहे हैं कि कस्टमर सेंट्रिक जो है, हम लोगों को तो पहले से ही मालूम था कि यस बैंक मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब न्यूज़पेपर वाले ऐसा लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो इसका फायदा आपको मालूम है, अभी इतना अच्छा MSME का एक सिस्टम बनाया हुआ है रिटेल के लिए भी, तो लोन ग्रोथ आपको चौंकाने वाली लोन ग्रोथ आने वाली है। अभी जो है मार्च चल रहा है, आज 17-18 मार्च है, 1-2 अप्रैल को इसका जो है BSE फाइलिंग से बताया जाएगा कितने परसेंट की डिस्काउंट में ग्रोथ रही, कितने परसेंट की लोन में ग्रोथ है, ये सब पूरा बताया जाएगा आपको। और फंड जो है, ये जो है कलेक्शन कितना हुआ, पूरा का पूरा डिटेल आएगा। तो वो जो डिटेल आपको पता चलेगा, वो इस बार के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं पॉजिटिव साइड में। याद रखिएगा, 15% की लोन ग्रोथ पहले ही थी, और जिस हिसाब से इकोसिस्टम बनाया गया है, ये डेटा कहीं भी 30% 40% तक जा सकता है लोन ग्रोथ वाला, क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ऐसा मत कि शेयर नेगेटिव आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। डरने वाली इसलिए बात है कि इसमें कुछ अब निगेटिव में कुछ रह नहीं गया है, थोड़ा चार्ट में मूवमेंट है, चार्ट की वजह से 10-20 पैसे का मूवमेंट ही चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। 15-20 पैसे, अभी पूरा डिटेल में चलेंगे चार्ट पे हम। आगे देखते हैं, यस बैंक हैज बीन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मैंने आपको बता चुका है। रिटेल साइड, यस बैंक हैज लॉन्च्ड द क्यूएटी प्रपोजिशन दैट मेक बैंकिंग ऑन द गो कन्वीनियंट सेफ एंड सिक्योर। बोल रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग के लिए भी काफी अच्छा इकोसिस्टम बनाया हुआ है।
For its business too, Yes Bank has thoughtfully designed solution to fulfill aspiration that need the business owner. ठीक है, सो इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा सिस्टम जो है यस बैंक ने बनाया हुआ है कि जो बिजनेस ओनर है उनको भी फायदा पहुंचा सके हसल फ्री लोन के लिए। लेटेस्ट यस एमएसएमई जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ठीक है, मार्केट में बहुत चर्चा है, क्रिएटिंग ए हिस्टोरिक इकोसिस्टम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार के जो अप्रैल में जो डेटा आने वाले हैं लोन ग्रोथ के यस बैंक के, वो चौंका सकते हैं आपको। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कितनी लोन ग्रोथ होगी इसमें। ठीक है, इट इज़ मोर देन 40%, 50% क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो याद रखिएगा। अंडर यस एमएसएमई मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर रिटेलर्स होलसेल कैन बोरोवर्स। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ मैं आपको जो है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कभी पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा यही लिखा जाता है तो बैंक का क्या होगा, ये क्या होगा। एक दो ने तो 1-2 रुपये का भी टारगेट दे रखा था बहुत पहले ही, और अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही किसी ने 6 रुपये 9 रुपये का टारगेट दिया था। ठीक है, लेकिन अब ये लोग भी जिनने ये खबर छापी वो भी कभी पॉजिटिव नहीं लिखते थे, हमेशा पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना के लिखते थे। अब ये लोग भी पॉजिटिव लिखना शुरू किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बिजनेस यस बैंक के बिजनेस की तारीफ हर जगह शुरू हो चुकी है। यस समय समय रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और अभी तो शुरुआत है, अभी ये क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए और ये अप्रैल के महीने में फिर कैसा गाना बजाना शुरू करेंगे ये लोग यस बैंक के बारे में। ठीक है, फिर यही लोग जो है ऊपर ऊपर के टारगेट देना शुरू करेंगे, भूल जाएंगे पिछले बार क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको केवल पेशेंस बना के रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा एनएस चार्ट पे। चार्ट पे देख लीजिए दोस्तों, अभी 5-15 रुपये 10 पैसे 15 रुपये 5 पैसे का प्राइस चल रहा है थोड़ा सा चार्ट पे। कल 15-20 पैसे क्लोज हुआ, 10-20 पैसे का मूवमेंट है थोड़ा डाउन साइड में, और कितना जाएगा। ठीक है, कभी भी न्यूज़ आने वाली है पॉजिटिव में, कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ QIP की आ जाएगी और ये जो है ऊपर की तरफ सर्किट लगाना शुरू करेगा। जब तक नहीं आ रही न्यूज़ तब तक ठीक है, 10-20 पैसे का मूवमेंट अपना कर रहा है, कोई बात नहीं है। फोरकास्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फोरकास्ट में आपको लिखा हुआ है हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आने आने वाले क्वार्टर में रिटर्न हायर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अभी कितना 100-150 करोड़ रुपये का प्रॉफिट लास्ट 1-2 क्वार्टर मिला था, आगे आने वाले क्वार्टर में आपको अगर ये 700-800 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और रिकवरी भी होने वाली है 5000 करोड़ तक की। ठीक है, तो आपको आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट आपको चौंका सकता है, ये आपको 3000 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखा सकता है। और फिर आप देख लीजिए कि शेयर कहाँ जाएगा। थोड़ा सा और NSE की साइड पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, अभी 15 रुपये 5 पैसे पे करंट प्राइस है, क्लोजिंग 15-10 पे कल हुई थी। ठीक है, आज थोड़ा 5 पैसे का इधर उधर का मूवमेंट है, ओपन 15-20 पे, वो हाई 15-30 का भी बनाया, थोड़ा भी नीचे है। 1,55,00,000 जो है ये बायर लगे हुए हैं, 2,79,00,000 सेलर लगे हुए हैं, लगभग 50% डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी लेने वाले जिनको आइडिया है बिजनेस का वो लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। ठीक है, और जो बहकावे में आए हुए हैं वो सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी 50% डिलीवरी आपको भी मालूम होगा, मार्केट में बहुत अच्छी डिलीवरी होती है। तो मेरी यही राय है कि बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहें और फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन बाद आपको ये प्राइस हिस्टोरिक प्राइस होने वाली, ये प्राइस आपको मिलेगी नहीं, ये बात याद रखिएगा, दोबारा ये प्राइस आपको नहीं मिलनी है। और ये फिर ऊपर आपको 24-25-30 फिर जाके उधर ही सेटल होगा, बस कुछ ही दिनों के बाद ये 24-25-30 पे सेटल होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और एक लास्ट में एक चीज़ फ्रेंड्स और बोलनी थी, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी एक दो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कुछ न्यूज़ की, टारगेट की, जो शॉर्ट में होता है, करेक्ट न्यूज़ होती है, कोई अफवाह नहीं होता है। तो मैंने एक दो वीडियो लास्ट टाइम बनाए हुए थे अभी इसके पहले, बंधन बैंक का, M&M का। अगर आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा पसंद है कि नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें आपको 30-40 सेकंड के अंदर ही पूरी पूरी अपडेट मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में नहीं करना पड़ता। तो लॉन्ग वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन शॉर्ट में भी क्विक अपडेट आपको मिल जाया करेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा कमेंट करके आप नीचे बताइएगा शॉर्ट वीडियो पसंद है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नए वीडियो तब।